अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को स्थगित करने का जो निर्णय लिया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस तरह का जो निर्णय आया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और मैं स्थानांतरण नीति में जो गलती थी, जो गड़बड़ी थी, उसको माननीय न्यायालय ने भी पकड़ा और माननीय न्यायालय ने भी रोक लगाई कि बिहार में जब ये नीति लाई गई थी तो सबसे पहला विरोध जीवन कुमार ने इसका किया था और खुलेआम विरोध किया था कि ये नीति नहीं चलेगी। ये सरकार की कौन सी नीति है पता नहीं चल रहा है। देखिए, बिहार में काम कर रहे शिक्षकों के लिए एक मायूस करने वाली खबर सामने आई है। और मायूस करने वाली खबर ये है कि बिहार के शिक्षकों की जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाली नीति थी, ये जो पॉलिसी थी, अब इसको स्थगित कर दी गई है। आप सबको पता है कि बिहार के शिक्षकों की एक बहुप्रतीक्षित ये मांग थी कि जो पोस्टिंग और ट्रांसफर वाली जो नीति है, इस पर मुहर लगे। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा डिसीजन लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए इस नीति को रोक दिया गया है और बिहार के शिक्षकों की पोस्टिंग को स्थगित कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है जॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाली पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राय विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कई शिक्षक और शिक्षक संघ इस पॉलिसी के विरोध में थे, इस पॉलिसी से नाराज थे। इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जो शिक्षक जहां कार्यरत हैं वहीं रहेंगे। बता दें कि मंगलवार को ही पटना हाईकोर्ट की ओर से औरंगाबाद के 13 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई। उनके ट्रांसफर पर कोर्ट ने स्टे लगाया। इसके बाद अब सरकार की ओर से इस नीति को तुरंत स्थगित कर दिया गया। बता दें कि नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत करीब 1,20,000 से अधिक शिक्षक अब तक तबादले के लिए आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 22 नवंबर तय की गई थी। अब इसके पहले ही इस नीति को स्थगित कर दिया गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। विभाग ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने अपने आवेदन में कोई भी विकल्प नहीं दिया है। विभाग ने 10 विकल्प देने के लिए कहा था जहां शिक्षक अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पर भाजपा MLC जीवन कुमार और राजद के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या कुछ बयान है, आप एक बार सुनिए। देखिए, माननीय मंत्री सुनील कुमार जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, हम पहले भी कहते रहे हैं। और अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को स्थगित करने का जो निर्णय लिया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि बिहार में जब ये नीति लाई गई थी तो सबसे पहला विरोध जीवन कुमार ने इसका किया था और खुलेआम विरोध किया था कि ये नीति नहीं चलेगी, क्योंकि इससे बहुत दिक्कतें आ रही थी। 10 अनुमंडल का जो ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन कहीं से भी मान्य नहीं था, इसलिए मैंने इसे खुलेआम विरोध किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था सिस्को के हित में, और सिस्को के हित में नहीं, ये मान के चले कि शैक्षणिक वातावरण बनाने के हित में मैंने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस तरह का जो निर्णय आया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और मैं समझता हूं कि आगे जो भी निर्णय आएगा वो भी स्वागत योग्य कदम होगा। देखिए, पदाधिकारी जो होते हैं उनको बहुत चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम शैक्षणिक वातावरण को ठीक करें। और जो बिहार में पदाधिकारी बैठे हैं मंत्री जी के साथ साथ, उनके अगल बगल में बैठे हैं, उनको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बड़ा अच्छा संबंध रखते हैं इसलिए कोई भी नीति ले आएंगे हम। ये गलत है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और शैक्षणिक वातावरण को हम किसी भी कीमत पर बिहार में खराब नहीं होने देंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण नीति का विरोध लगातार हो रहा था। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ता। स्थानांतरण नीति में जो गलती थी, जो गड़बड़ी थी, उसको माननीय न्यायालय ने भी पकड़ा और माननीय न्यायालय ने भी रोक लगाई। अब तो सरकार को वापस लेना पड़ा, रद्द करना पड़ा स्थानांतरण नीति। ये सरकार की कौन सी नीति है पता नहीं चल रहा है। शिक्षकों के हित में जो फैसले जो महागठबंधन की सरकार में लिए गए, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से राजकर्मी का दर्जा दिलाया, शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के नीति बनाई थी, लेकिन ये NDA की सरकार ने, बिहार सरकार ने सारी गड़बड़ी कर दी। इसके विरोध में लगातार शिक्षक आवाज उठा रहे थे। आज शिक्षकों की जीत हुई है और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा जब माननीय न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया।
तो देखा आपने किस प्रकार से हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को स्थगित कर दिया है। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे, धन्यवाद।